ये तो न्यू सोचे हैं कि पुलिस वाले जीप में नहीं घेर के ले जा, कर्जा हमारे सिर पर नुक्का नू रही जा। कोई किसे पा मुंशी राम है, कोई कर्जा ले लिया है बैंक का और वो बैंक का कर्जा भरे नहीं से, तो ना कर्जा भरे तो के करे हैं कि कर्जा लेने वाले आऊँ से न मांगण उठा के आ जा, कर्जा फिर नहीं भरना चाहता। इसी प्रकार से ये जीव है, ये आदमी की बीमारी है, दुख दर्द है, तकलीफ है, ये कर्जा लेना आवे लेकिन यो के करे पेंडा छुटाओ, कदे दवाई खा के छुटा ले, डॉक्टर हकीमा बजा के, कदे ज्योतिषी वैदा बजा के न उन पर लूटे पीटे से, लेकिन कर्जा देना नहीं चाहता। कर्जा उतरेगा नाम की कमाई से, क्यों कि वो कर्जा जीव के साथ चलता है एक जन्म से अनेक जन्मों तक। जब तक कर्ज नहीं उतर जाता तो जीव दुख पाता है, चाहे वो किसी रूप में भी आओ। एक योनि नहीं, 84 लाख योनि में कोई जीव किस तरह से भटकता है, कोई कैसे भटकता है देखते नहीं। योनि गंदी मंदी है, उनमें भी तकलीफ है। कहीं देखते होंगे कि एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, आधा शरीर टूट गया, सड़क पर दो पायों से चलता है, दो घिसड़ते चले। किसी बैल को नहीं देखते, बूढ़ा हो जाता है, चलने की हिम्मत नहीं, फिर भी जो है गाड़ी में जोड़ के जमींदार उसको और या कसाई उसको कोई कोल्हू में जोड़ता है, कोई गाड़ी में जोड़ता है, कोई हल चलाता है, कर्जा चुकाता है। कहीं गधों को नहीं देखते, कितना भार उन पर लादते हैं, कोई उनको चरने के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता और उसको काम करने के बाद निकाल देते हैं कि कहीं भी घूम फिर के अपना पेट भर। कर्जा है ये, पीठ पर डंडे खाता है लेकिन कर्जा उसके सिर पर रह जाता है। तो जीव एक योनि से अनेक योनियों में कर्म का कर्जा लिए हुए फिरता है और जब कर्जा उतारने का टाइम आता है फिर गाफिल हो जाता है। क्यों? कर्जा उतारने के लिए ये ऐसी जगह में आया है, इसके साथ साथ इसको बहुत आराम की, शरीर के सुख की, जीभ के स्वाद की, जो शरीर से संबंधित चीज़ है उनका रस पान और आनंद के लिए बहुत सामान है। वो सामान और काल और माया ने रस रखा इसको भूल देने के लिए। ये उनको खाता है, पीता है, मस्त रहता है और भूल जाता है मुझे कर्जा चुकाना है क्या। इसलिए अपना घर भूलने के बाद में जब रात आती है, अंधेरा पड़ता है, फिर ठिकाना नहीं मिलता, फिर रोकता है इंसान। इसी प्रकार से जवानी खो देता है, नाम जपता नहीं, जिंदगी की शाम जब हो जाती है, बुढ़ापा आता है, फिर ये चिल्लाता है कि हाय जो काम करना था वो नहीं किया, कर्जा चुकाया नहीं, और फिर तड़फ तड़फ के प्राण निकल जाते हैं, फिर गंदी मंदी योनियों में जाके जीव गिरता है। उसको नाम क्या करेगा, नाम अवल तो मिला ही नहीं, नाम देनियों ने नाम की कमाई नहीं करी, नाम को तो एक तिजारत बना लिया, व्यापार बना लिया लोगों ने संख्या बढ़ाने के लिए। जीव के कल्याण का रास्ता वो नहीं जानते, उनकी तरफ से तो कोई जीव कहीं जाए, चाहे उसको कितनी दिक्कत हो कहीं भी पड़े, उसको तो कह दिया, बस बता दिया कि तू चेला में गुर सवार, रुपया धर डूब चाहे तेरी, नहीं तो पुर फिर दे दिए। गुरुओं का काम ये हो गया कि गुरु तो राजगद्दी बना के बैठ गए, पहरे लग गए उनके, नुमाइंदे खड़े हो गए। हर नुमाइंदे कोई दूसरा किसी के लिए काम कर सकता है? गुरु का काम तो गुरु करेगा, गुरु का काम तो गुरु करेगा, दूसरा उसकी जगह कौन काम करेगा? अगर दूसरे काम करने लगे तो वो तो एक संस्था बन गई, राजनीतिक रूप ले लिया उसने, तो संस्थाओं से ये काम नहीं चलते। गुरु का काम ज्ञान बांटना है, प्रकाश दीपक से होता है, तेल और बातियों से नहीं होता कि बाती बांट के धर दिए, तेल के पीपे धर दिए तो प्रकाश थोड़ा हो जाएगा। प्रकाश तो जब होगा बाती और तेल मिला के, जब उसको हम चेतन कर देंगे, वो चेतन चीज होगी, वो प्रकाश देती है। गुरु चेतन है, प्रकाश का रूप है, और उसकी बजाय बत्ती तेल बांट बांट के धर दे और कह दे कि मोटी बात बांट दी से, दीवा घनाए बड़ा धर दिया, तेल घनाए धर दिया से, तो ज्ञान नहीं, उनसे कल्याण नहीं होगा।
कल्याण गुरु से होगा, इसलिए सही ठिकाने पर जब पहुंच जाओगे तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत होगा। बातों से ये बात नहीं बनती। तो करज जब उतरेगा जब नाम की कमाई करोगे। आशीर्वाद सबको।